टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की बात करें तो कमोडिटी मार्केट में काफी हलचल भरा टाइम था। जिस दिन से हमने फैट की मीट के बाद देखा, मार्केट में एकाएक सोने चांदी में एक जबरदस्त गिरावट लगाते हुए दिखाई दिया। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोना करीबन 1.25% की गिरावट गिराता हुआ दिखाई दिया। वहीं चांदी में जिस रफ्तार से मार्केट में तेजी आई थी, उसी रफ्तार से मार्केट में गिरावट भी बढ़ते हुए दिखाई दी और 5.5% की गिरावट हमने चांदी में देखी। एनर्जी मार्केट का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जहां हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, सप्लाई बाध्यता की वजह से क्रूड में तो अब 4.5% की तेजी आई और क्रूड 6600 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पे हमने यूरोपियन मार्केट में अभी भी जो गैस क्राइसिस चल रही है, जिसके चलते एक पोलर वॉर्टेक्स भी क्रिएट हो रहा है और शॉर्ट स्क्वीज के चलते 18.5% की सबसे बड़ी तेजी अब तक की हमने नेचुरल गैस में आती हुई देखी, जो प्राइजेस में 356 के ऊपर क्लोज दिखा रहा है। जनवरी से अभी तक या पूरे जनवरी मंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट हमने 27% की तेजी हमने नेचुरल गैस में आते हुए देख पा रहे। वहीं पूरी बेस मेटल की बात करें तो काफी मिला जुला असर रहा है। चाइना मार्केट 31 तारीख से छुट्टी पे है, जिसके चलते अपर साइड कैप था, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमी में सुधार की गुंजाइश के चलते प्राइजेस को सपोर्ट भी मिल रहा था। इन्वेंट्रीज लोअर लेवल पे है, आउटपुट में कटौती है, जो प्राइजेस को सपोर्ट भी कर रहे थे। बट हायर साइड कैप होने की वजह से कॉपर में 2.5% की गिरावट, जिंक स्टेबल था, निकल में 5% की गिरावट, लेड स्टेबल था, एल्यूमिनियम में हमने देखा आउटपुट कटौती के चलते कम से कम 2.5% की तेजी बनी। अगले हफ्ते की बात करें तो सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट के बावजूद हमें लगता है जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट दे सकता है। बट इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट लेवल, तो अगले हफ्ते 47,000 से लेकर 48,200 के बीच में गोल्ड ट्रेड करेगा, 47,400 के करीब गोल्ड लिया जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 60,000 से लेकर 63,500 के बीच में चांदी में ट्रेड करना उचित रहेगा। लोअर लेवल पर बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। क्रूड टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, बट $90 का लेवल तोड़कर 92 का लेवल आराम से दिखा सकता है, जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न्स बने हुए। बट याद रखिए, चाइना, यूएस और ओपेक की जो प्रोडक्शन है वो 4 फरवरी से मार्केट में आने चालू हो जाएंगे, जिसके चलते अपसाइड थोड़े कैप रहेंगे। नेचुरल गैस में पोलर वर्टेक्स के चलते प्राइजेस 370 का लेवल दिखा सकते हैं, बट सस्टेनेबल थोड़े डाउटफुल है। बेस मेटल के अंदर अभी भी तेजी का रुख है, कॉपर 730 पे लिया जा सकता है 750 के लिए, जिंक ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है जहां पे 306 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। निकल के अंदर एक जबरदस्त रैली फिर से आएगी जो 1760-70 तक का लेवल दिखा देगी। एल्यूमिनियम लेड में से एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है 250 के टारगेट के लिए। धन्यवाद। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।